हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 11th हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर। चैप्टर को यहाँ पे फिनिश करेंगे। चैप्टर का नाम है फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द टाइम। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक है द हैरजा। यहाँ पे या हाजा। यहाँ पे एक जन समूह है जिसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। हाजा यहाँ पे एक स्मॉल ग्रुप है हंटर्स और गैदरर्स का, जो लेक याशी, जो कि एक रिफ्ट वैली जो लेक है, ठीक है, सॉल्ट लेक है, यहाँ पे नमक की लेक है, सो इसके पास यहाँ पे रहते हैं। चलिए पहले हम यहाँ पे लेक देख लेते हैं। तंजानिया। तंजानिया कहाँ पे? ये अफ्रीका में देखने को मिलेगा। तंजानिया में जो लेक याशी, ये यहाँ पे देखने को मिलेगी। क्लियर है? यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस वन। यहाँ पे ये स्मॉल ग्रुप रहता है। यहाँ पे जो एनिमल्स वो बहुत ज्यादा देखने को मिले, ठीक है, बिगिनिंग ऑफ द सेंचुरी। यहाँ पे अलग अलग प्रकार के यहाँ पे ये बहुत सारे जानवर पाए जाते हैं यहाँ पे। जैसा कि यहाँ पे ये सभी लिखे हुए हैं, एलिफेंट, ठीक है, गेंडा हो गया, बफेलो, ग्राफ, जैबरा जैबरा, वाटर बग हो गया, ठीक है, ये सभी। अगर इनमें से आपको कुछ एनिमल्स के बारे में नहीं पता तो टेंशन मत लीजिएगा। यहाँ पे मैंने सभी की पिक यहाँ पे डाल रखी है कि वाटर बग इस प्रकार का होता है, ठीक है, वार्थोग इस प्रकार का होता है, यहाँ पे पोर्क्यूपाइन इस प्रकार का होता है, जैकल सियार को बोला जाता है, ठीक है। ये इस प्रकार के यहाँ पे जानवर होते हैं। यहाँ पे ये जितने भी जानवर हैं, एलिफेंट को छोड़ के सभी का शिकार किया जाता था और इन्हें खाया जाता था इन लोगों के द्वारा, जो हाजा जो जन समूह था। यहाँ पे जो वेजिटेबल जो फूड है, जैसे कि रूट्स हो गया, बेरी फ्रूट्स, जैसे कि यहाँ पे जो बॉबब ट्री है, जो, ठीक है, किस प्रकार का होता है, चलिए यहाँ पे ये इस प्रकार का ट्री होता है। इन सभी के जो फ्रूट्स होते हैं, ये बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पे पाए जाते हैं। इवन कि अगर ड्राई सीजन है या ड्राउट, यहाँ पे सूखे की समस्या है, तब भी यहाँ पे ये जो वेजिटेबल फूड वगैरह होता था बहुत ज्यादा भरमार मात्रा में यहाँ पे देखने को मिलता था। और यहाँ पे जो हनी और जो क्रब्स, ठीक है, यहाँ पे जो कीड़े होते हैं, ये इस प्रकार के कीड़े देखने को मिलते हैं, क्रब्स। यहाँ पे जो हनी, जो शहद होता है यहाँ पे अलग अलग प्रजातियों का, वो इन लोगों के द्वारा इन्हें खाया जाता था। यहाँ पे जो हाजता कैंप होते थे, ये मेनली जहाँ पे पानी आसानी से अवेलेबल या उपलब्ध होता था वहां पे रहना पसंद करते थे। मतलब कि 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर वो आसानी से उस एरिया तक पानी ला सके। ऐसे में ये एरिया इनके लिए सूटेबल होता था। यहाँ पे जो हाजा यहाँ पे जो ग्रुप थे, ये कभी भी जो ओपन ग्रास प्लांट प्लेन एरिया जो होते थे वहां पे नहीं रहना पसंद करते थे। ये मेनली जो ट्री हो गया या रॉक्स, जो चट्टाने होते हैं, इन दोनों के बीच का जो रास्ता होता है वहां पे रहना ये पसंद करते थे। यहाँ पे ये कभी भी ये अधिकार अपना नहीं जमाते थे लैंड के ऊपर या जो इसके रिसोर्सेज होते हैं, सभी लोगों के द्वारा इनका इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ पे जैसे कि कोई भी हो यहाँ पे वो शिकार कर सकता है, जो ये फ्रूट्स होते थे इन्हें कलेक्ट कर सकता है, और यहाँ पे जो पानी है वो कहीं से भी वो यूज कर सकता है बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के, यहाँ पे सभी इसका इस्तेमाल कर सकते थे, ठीक है। आई होप आपको इसके बारे में समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे मूव करते हैं, हंटर गैदरर सोसाइटी फ्रॉम द प्रेजेंट टू द पास्ट के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे जो नॉलेज है प्रेजेंट डे हंटर गैदरर्स, यहाँ पे बहुत ज्यादा इंक्रीज, हमें बहुत ज्यादा जानकारी मिलती है। जैसे कि हमने यहाँ पे जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट, जो यहाँ पे ये मानव विज्ञानी जो लोग हैं, इनके द्वारा जो स्टडी की गई है, इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमारे माइंड में यहाँ पे एक क्वेश्चन हमेशा स्टक करता है या करना चाहिए कि जो यहाँ पे लिविंग हंटर्स और जो गैदरर्स हैं, क्या आज के समय में जो है उनकी लाइफ के बारे में अगर हम स्टडी करके क्या हम पास्ट के बारे में जान सकते हैं? ऐसा यहाँ पे क्वेश्चन आना चाहिए अगर तो हमने ये कंप्लीट चैप्टर यहाँ पे ध्यान से पढ़ा है, ठीक है। यहाँ पे इसके दो यहाँ पे व्यूज दिए गए हैं, ठीक है, इस इशू के ऊपर कौन कौन से, वो देख लेते हैं। पहला तो यहाँ पे जो स्कॉलर्स के द्वारा कहा गया है वो क्या है कि यहाँ पे डायरेक्टली जो अप्लाई होता है स्पेसिफिक डाटा फ्रॉम द प्रेजेंट डे हंटर गैदरर, मतलब कि आज की सोसाइटी में जो हंटर या गैदरर्स जो रहते हैं, उनसे यहाँ पे बातचीत की गई कि वो आज के समय में किस प्रकार रहते हैं। वो जो स्टडी की उस बिहाफ पे इन्होंने जो पास्ट है वो यहाँ पे आपके सामने रख दिया, ठीक है, उसके बारे में व्याख्या इन लोगों के द्वारा
की गई। सो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा यहाँ पे सुजेस्ट किया गया कि जो होमोनिड साइट्स है आज से 20 लाख साल पहले की बात है, यहाँ पे वो जो लेक तुर्काना उसके आसपास रहते थे और यहाँ पे ये जो रहने का स्थान था ये उससे भी पहले जो ह्यूमंस वहां पे रहते थे उन लोगों की जगह ये लोग यहाँ पे यूज कर रहे थे जो ह्यूमन होमिनिड्स जो साइट्स थी। अब यहाँ पे ये जो बात है किस बेसिस के ऊपर बोली गई है, ये आज को यहाँ पे ऑब्जर्व किया गया प्रेजेंट डे को, मतलब कि जो यहाँ पे हमने इसके बारे में डिटेल में पढ़ा हार्ज़ा के बारे में और जो कुंग सैन है, ठीक है, ये आने वाले चैप्टर्स में भी हम इसके बारे में देखेंगे। सो ये क्या करते हैं, ये भी ऐसे ही करते हैं, मतलब कि किसी यहाँ पे जगह के ऊपर सोसाइटी के ऊपर जो पर्टिकुलरली यहाँ पे रहते हैं, ठीक है, किसी दूसरे की स्पेस के ऊपर या प्लेस के ऊपर, सो उनके ऊपर इन लोगों ने कब्जा किया हुआ है, कब्जा नहीं किया हुआ लेकिन यहाँ पे ये रह रहे हैं। सो इस बिहा पे इन्होंने ये थ्योरी दी। दूसरी यहाँ पे जो थ्योरी स्कॉलर्स के द्वारा दी जाती है वो क्या कहते हैं कि जो मानव जाति के आंकड़े हैं आज के समय में उनका इस्तेमाल करके हम पास्ट के बारे में प्रेडिक्ट या अनुमान नहीं लगा सकते। अब यहाँ पे जो प्रेजेंट डे हंटर गैदर सोसाइटी है, अब ये क्या करती है, बहुत सारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी आज के समय में करती है, हंटिंग गैदरिंग तो करती है लेकिन यहाँ पे ये क्या करती है, ट्रेड हो गया, ठीक है, ये जैसे फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो भी होता है इन्हें बेचती है, ठीक है, पैसे कमाती है, फिर खाना वगैरह खाती है और साथ में शिकार वगैरह भी करती है, लेकिन यहाँ पे जो इनकी जरूरतें हैं वो आज के समय में इंक्रीज हो चुके हैं, बढ़ चुकी हैं। और यहाँ पे ये क्या करते हैं, दूसरों के जो खेत होते हैं, ठीक है, उनके उन जो खेत होते हैं वहां पे भी ये काम करते हैं, ठीक है, जो अपने आसपास के जो फार्मर्स होते हैं। तो यहाँ पे जो कंडीशन है जो आज के समय में वो बहुत ही डिफरेंट है जो अर्ली ह्यूमंस थे। सो यहाँ पे ये भी प्रॉब्लम सामने आती है कि बहुत सारा यहाँ पे जो वेरिएशंस यहाँ पे देखने को मिलता है लिविंग हंटर गैदरिंग सोसाइटीज में, जैसे कि अभी हमने देखा बहुत सारे यहाँ पे चेंजेस आ चुके हैं। सो यहाँ पे जो कंफ्लिक्टिंग डाटा यहाँ पे ये बहुत सारे इश्यूज के ऊपर देखने को मिलता है, जैसे हंटिंग गैदरिंग ग्रुप साइज यहाँ पे कितना होता था या मूवमेंट इनके एक जगह से दूसरी जगह किस प्रकार से होती थी, ये सभी यहाँ पे हमेशा कॉन्फ्लिक्टिंग यहाँ पे डाटा रहा है। सो बेशक अगर हम आज की बात करें तो जो वुमेन होते हैं ये क्या करते हैं, गैदरिंग का काम करती है, ठीक है, फूड कलेक्शन वगैरह जो कार्य होते हैं ये इनके द्वारा किए जाते हैं। जो आदमी होते हैं ये क्या करते हैं, शिकार करते हैं, या कुछ ऐसी सोसाइटीज भी हैं आज के समय में जहाँ पे वुमेन और मैन ये क्या करते हैं, दोनों मिलके शिकार और यहाँ पे फूड गैदरिंग का काम किया जाता है और साथ में ये टूल्स भी बनाने का काम करते हैं, ऐसे भी यहाँ पे जनजातियां देखने को मिलती हैं आज के समय में। सो ऐसे में यहाँ पे ये प्रेडिक्ट कर पाना, अनुमान लगा पाना आज के समय का जो डाटा है या जो जनजातियां रह रही हैं उनके बिहाफ पे हम पास्ट की यहाँ पे प्रेडिक्शन नहीं दे सकते। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। सो चलिए यहाँ पे सो प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, सभी वीडियो को फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। सो एपिलॉग के बारे में देख लेते हैं। एपिलॉग क्या होता है, उपसंहार, मतलब कि जैसे अभी हमने पूरा यहाँ पे डिटेल में देखा पूरा चैप्टर, इसका यहाँ पे क्या सारांश निकलता है सो इसके बारे में हम देख लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे स्टोरी होती है, स्टोरी के बाद मोरल होता है, सो उस प्रकार से। तो यहाँ पे सेवरल मिलियन ईयर्स एगो की बात है, ह्यूमंस क्या करते थे, वो शिकार किया करते थे जानवरों का और यहाँ पे गैदरिंग किया करते थे जो प्लांट्स होते थे। लेकिन 10,000 से लेके 4500 साल पहले की बात है कि जो लोग हैं वो अलग अलग जो विश्व में अलग अलग हिस्सों में जो रहते हैं उन्होंने सीखा कि किस प्रकार से यहाँ पे फसलों को उगाया जाए, एनिमल्स को यहाँ पे डोमेस्टिकेट किया जाए। सो ये सभी बातें इन लोगों ने सीखी 10,000 से 4500 साल पहले। सो इसकी वजह से यहाँ पे डेवलपमेंट फार्मिंग और पेस्टोरलिज्म में बहुत ज्यादा देखने को मिली, जिसकी वजह से लाइफ पूरी चेंज हो चुकी है। तो यहाँ पे शिफ्ट देखने को मिला, शिफ्ट किस में, पहले जो लोग होते थे वो भोजन के लिए इधर उधर घूमते थे लेकिन उसके बाद इन्होंने फार्मिंग स्टार्ट की। यहाँ पे जो मेजर टर्निंग पॉइंट देखने को मिला ह्यूमन हिस्ट्री में, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन जनरेट होता है कि यहाँ पे व्हाई डिड दिस चेंज टेक प्लेस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, यहाँ पे ये जो बदलाव देखने को मिले इसी समय पे ये कैसे देखने को मिले या क्यों देखने को मिले। तो जो लास्ट आइस एज थी जो आज से 13,000 साल पहले हुई थी, इसकी वजह से यहाँ पे जो कंडीशंस थी जैसे गर्म और ठंडा यहाँ पे वो
शुरू हुआ, जिसकी वजह से यहाँ पे जो ग्रासेस थी ठीक है उसकी ग्रोथ यहाँ पे वो फेवरेबल हुई। मतलब कि जैसे वीट बार्ले इन चीजों को उगाया जाने लगा और यहाँ पे जो फॉरेस्ट थे ये एक्सपेंड हुए, ग्रासलैंड एक्सपेंड हुई और जो पॉपुलेशन है यहाँ पे एनिमल्स की बहुत सारी जो प्रजाति हैं वो बहुत ज्यादा इंक्रीज देखने को मिला उसमें, शिप गोट कैटल पिग डोंकी। सो यहाँ पे जो फार्मिंग पेस्टोरलिज्म इसमें भी बहुत ज्यादा बदलाव देखने को मिले अराउंड 10,000 years ago। सो यहाँ पे जो फर्टाइल क्रीसेंट मतलब कि जो अर्धचंद्राकार आकार का होता है यहाँ पे जो मेडिटेरियन कोस्ट से लेके जगराउज माउंटेन जो ईरान में है ठीक है। सो चलिए डायग्राम में देख लेते हैं यहाँ पे ये जो फर्टाइल एरिया है ठीक है। सो यहाँ पे भी खेती और जो पेस्टोरलिज्म है यहाँ पे देखने को मिला। सो यहाँ पे एग्रीकल्चर की जैसे इंट्रोड्यूस यहाँ पे किया गया बहुत सारे लोग जो वो क्या यहाँ पे एक जगह के ऊपर रहने लगे। अब जैसे यहाँ पे जो खेती की जाती है अब ऐसे तो है नहीं कि आज खेती की 2 दिन के बाद वो पक्की फसलें ठीक है काट के फिर उसको खा ले, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जो फसलें होती है उन्हें यहाँ पे टाइम लगता है जैसे 5 से 6 महीने लगते हैं ठीक है। सो ऐसे में अब उनकी देखभाल भी करनी है। सो जो ये लोग होते थे जहाँ पे खेती करते थे उसके पास में ये अपने घर बना लेते थे और वहीं पे रहने लगे। तो इसके साथ में यहाँ पे जो परमानेंट हाउसेस यहाँ पे ये बनने शुरू हो गए मड के ठीक है, जो चिक्कड़ हो गया मड ब्रिक्स हो गया स्टोन्स हो गया इनके यहाँ पे पक्के घर इन्होंने बनाने शुरू किए। जो स्टोन टूल्स वो भी यहाँ पे इस्तेमाल होने लगा जैसे कि नए टूल्स जैसे प्लो जो हल होता है ठीक है उसका इस्तेमाल किया गया खेती में। और धीरे धीरे यहाँ पे जो लोग हैं वो यहाँ पे मेटल्स का भी इस्तेमाल करने लगे जैसे कॉपर टीन हो गया और यहाँ पे जो व्हील इसकी यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस थी। और जैसे यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ जैसे यहाँ पे इन्वेंशन में आया सो इसके साथ में पॉट मेकिंग और ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज्यादा मदद मिली। पॉट मेकिंग मतलब जो बर्तन बनाने का कार्य इन लोगों के द्वारा किया गया या जो एक जगह से दूसरी जगह जाने का कार्य था ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा वो किया गया, व्हील की मदद से ये संभव हो पाया था। सो 5,000 साल पहले यहाँ पे बहुत लार्ज कंसंट्रेशन ऑफ पीपल यहाँ पे वो साथ में रहने लगे। सो सिटीज का भी निर्माण देखने को मिला। सो पीडीएफ फाइल बहुत ही कम कॉस्ट के ऊपर मिल जाएंगी जैसे यहाँ पे सभी चैप्टर कंप्लीट होंगे। सो प्लेलिस्ट आप सभी को पता ही है बन चुकी है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देख लेते हैं। एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है, यहाँ पे मानव शास्त्र होता है। सो इसमें स्टडी किसकी की जाती है, ह्यूमन कल्चर की जाती है और एवोल्यूशनरी एस्पेक्ट जो ह्यूमन बायोलॉजी के होते हैं सो उसमें यहाँ पे स्टडी की जाती है। सो अगर हिंदी में देखना चाहते हैं तो यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है। सो अगर तो यहाँ पे इथनोग्राफी देखा जाए तो वो क्या होती है, यहाँ पे स्टडी होती है जो मॉडर्न इथनिक ग्रुप्स होते हैं इनकी। सो इसमें यहाँ पे क्या होता है कि जैसे लिवलीहुड टेक्नोलॉजी जेंडर रोल्स हो गया ठीक है, जेंडर रोल्स क्या हो गया कर्मकांड हो गए जैसे रिचुअल्स हो गए पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस सोशल कस्टम्स ठीक है सामाजिक जो रूढ़ियां पुरानी सोच जो होगी इन सभी के बारे में एग्जामिन किया जाता है। क्लियर है। सो नेक्स्ट यहाँ पे टाइमलाइन पाल रेखा 1 ठीक है। सो यहाँ पे वीडियो को पॉज करके देख लेना। सो इन सभी के बारे में हम पढ़ चुके हैं पार्ट नंबर 1, 2, 3, 4 में। सो नेक्स्ट यहाँ पे टाइमलाइन 2 है यहाँ पे। सो यहाँ पे ये भी देख लेना वीडियो को पॉज करके, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में गिवन है। सो आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। सो चैप्टर फिनिश होता है, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और शेयर कर देना, वीडियो ना अच्छे लगे तो डिसलाइक कर सकते हैं। सो अपने आसपास फायर रखें, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे में ग्रीन इंडिया की तरफ मूव करना यही हमारा लक्ष्य है। सो जय हिंद, हैव अ फैंटास्टिक डे।